अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे, घर ही होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। नईम भाई भी ठीक ठाक है, दुआएं आप सब दोस्तों की। और आज का वीडियो नईम भाई लेके आया आप लोगों के लिए इस टोयोटा RAV4 का, जो कि नईम भाई इसको सेल करने वाले हैं। इसका प्राइस डिटेल अंदर बाहर से पूरा गाड़ी का ओवरव्यू देखते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका जो प्राइस है हम लोगों ने कितना रखा है। आप लोग चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी पहुंचता रहे। आज देखते हैं गाड़ी। और दोस्तों, अगर हम लोग गाड़ी की बात करते हैं तो गाड़ी कुछ इस तरह से हमें नजर आने वाली है, जो कि टोयोटा RAV4 का मॉडल है। एक नेक्स्ट लेवल का गाड़ी है, बहुत ज़बरदस्त है और ये लिमिटेड जो स्टॉक होता है ना उसमें है। यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो तो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये है लिमिटेड मीन्स कि ये जो गाड़ियाँ ना, ये कंपनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं बनाती, ये लिमिटेड ही गाड़ियाँ बनती हैं, क्योंकि इसके अंदर सिस्टम फीचर जो है ना वो बहुत ही हाई लेवल के दिए गए हैं। और दोस्तों, अलॉय रिम लगे हुए हैं इसके अंदर, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं गाड़ी के। और ऊपर से ब्लैक शीशे और ऊपर से सनरूफ जो है ना, ये फुल ऑप्शन में गाड़ी आती है। फ्रंट से अगर देखते हैं तो गाड़ी हमें ऐसा नज़र आने वाला है जो कि एक नेक्स्ट लेवल का दे रहा है गाड़ी हमें कंडीशन वाइज देखते हैं तो। और दोस्तों, अगर इसके मॉडल की बात करते हैं, ये 2008 का मॉडल है, टोयोटा RAV4 का ब्रांड जो है ना भाई, टोयोटा RAV4 की बहुत अच्छी जो है ना पावर है और इसका जो इंजन है ना वो नॉर्मल टोयोटा RAV4 से ज्यादा पावर वाला है। यानी कि दोस्तों, इस गाड़ी की अगर बात करते हैं तो इसका जो इंजन है वो 1 जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं यार, सॉरी, 4 जो होता है वो नहीं है, इसका इंजन 6 है और एक पावरफुल इंजन है। क्योंकि जब UAE के रोड हों और 4 तो मज़ा नहीं करता है ना, इन रोडों के ऊपर 6 जो पावर है ना वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है और होना भी 6 चाहिए। और अगर हम लोग बात करते हैं इसके फोर व्हील की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये AVD यानी कि ये फोर व्हील ड्राइव है। बाकी गाड़ी की कंडीशन जो है वो काफ़ी मस्त लग रही है और आप लोगों को कैसा लग रही है आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो हमें टोयोटा की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। यहाँ पर टोयोटा आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर है RAV4 का मॉडल है और टोयोटा का ब्रांड जो लोगो है वो दिया गया हमें। और बाकी यहाँ पर माशाल्लाह लिख रखा है। और हम लोग इसके टायर की बात करते हैं तो इसके अंदर टायर दिया गया हुआ है, इसके ऊपर जब टोयोटा RAV4 लिखा जाएगा ना तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी अगर हम लोग गाड़ी की अंदर से बात करते हैं तो अंदर से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, पीछे से स्टार्ट कर लेते हैं। पीछे से आप लोग देख सकते हैं ये है इसका डिग्गी, जो कि एक नेक्स्ट लेवल का बड़ा डिग्गी है। और इसके अंदर जो कितना भी म्यूज़िक सिस्टम है ना वो सब JBL के साउंड लगे हुए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो JBL, तो JBL के इसके अंदर पूरे साउंड लगे हुए हैं। बाकी डिग्गी जो इसका काफ़ी एक बड़ा डिग्गी है सामान वगैरह रखने के लिए, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं और फैमिली के लिए भी, आगे पीछे आने जाने के लिए जो टूरिस्ट के लिए भी होती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है भाई। और इसके अगर छत की बात करते हैं तो छत इसके कुछ इस तरह से हमें नज़र आने वाला है। आप लोग देख सकते हो इसके अंदर सनरूफ जो है वो लगा हुआ है और वर्किंग कंडीशन में है सब चीज़ें जो है इसकी, और एक बहुत बढ़िया गाड़ी है। और आप देखते हैं ये गाड़ी कितना चला हुआ है और अंदर से इसका स्विच बोर्ड जो है ना वो कैसा है। आज बहुत नीट क्लीन गाड़ी है, जो जस्ट बाय एंड ड्राइव वाला गाड़ी है, एक परफेक्ट गाड़ी है भाई। आज अंदर दोस्तों मैं लिए चलता हूँ आप लोगों को गाड़ी के अंदर, अंदर से गाड़ी की कंडीशन देखते हैं। तो अंदर से माशाल्लाह, ये जी अर्शद भाई अंदर बैठे हुए हैं जो कि गाड़ी के ओनर हैं इस गाड़ी के, माशाल्लाह, और एक ज़बरदस्त गाड़ी है। मैं आप लोगों को अंदर से तसल्ली से गाड़ी दिखाता हूँ। अर्शद भाई बाहर आ गए हुए, और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं इसका जो इंटीरियर है वो कुछ इस तरह से हमें नज़र आने वाला है, जो कि ब्लैक और इसका क्या इसको बोलते हैं बीज का कॉम्बिनेशन से बनाया गया हुआ है। और फुल ऑटोमेटिक इसके अंदर आप लोगों को विंडो मिल जाती हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं इसके जो स्टेयरिंग वगैरह की, तो स्टेयरिंग इसका कुछ इस तरह से हमें नज़र आने वाला है, जिसके अंदर आप लोग अपना म्यूज़िक सिस्टम जो है उसको कंट्रोल कर सकते हो और उसके बाद वॉल्यूम अप डाउन भी कर सकते हो, बाकी कॉल भी रिकॉर्ड जो है वो सुन सकते हो। और अगर इसकी जो मेन बात है कि इसका इंजन कितना रनिंग हुआ हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि इतना ये रनिंग हो गया हुआ है। और इसका जो मीटर है वो भी आप लोग देख सकते हो, ये गाड़ी अमेरिकन है, मालूम है? अगर इसका ऊपर वाला मीटर वो कम होता तो ये खलीजी होती, ये गाड़ी अमेरिकन है। और अगर हम लोग इसकी बात करते हैं म्यूज़िक सिस्टम की, यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो अंदर जो टेप वगैरह लगा हुआ है, इसके अंदर LCD भी जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग LCD डालेंगे। बाकी FM वगैरह भी इसमें चलता है। और भाई यहाँ पे जो इस गाड़ी का AC है ना, बहुत कूल फील कर रहा है एकदम, जो है ना वो नेक्स्ट लेवल का है। और इसका जो गेयर है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, फोर व्हील ड्राइव है
अगर आप हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे तो फोर व्हील ड्राइव हो जाएगा। बाकी एक ज़बरदस्त जो गाड़ी है ना, बहुत नीट क्लीन है, यू जस्ट बाय एंड ड्राइव वाला गाड़ी है। और ये इसका अंदर से जो डब्बा वगैरह है, और इसी उधर से हम लोगों ने अभी बंद किया हुआ है क्योंकि इसका कूलिंग माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अगर यूएई में दुबई में गाड़ी का एसी नहीं सही होगा ना, तो आप लोगों की वाट लगने वाली है, क्योंकि गर्मी की वजह से यहाँ पे एसी जो है ना गाड़ी का, वो बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस गाड़ी का जो एसी वगैरह है ना, वो सब चीज़ें ना मस्त है भाई लोग, एकदम मस्त है। ऐसी गाड़ी आप लोगों को दोबारा नहीं मिलेगी। और टोटल बॉडी जो है ना इसका ओरिजिनल पड़ा हुआ, टन टन कर रहा है, कोई भी इसका जो पीस है वो रिपेंटेड नहीं है। अभी हम लोग इसका जो ना वो छत ओपन करते हैं कि सनरूफ जो है वो कैसे काम करेगा। दोस्तों अगर सनरूफ की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका बटन दिया गया है जिसको हम लोग प्रेस करेंगे तो ये इसका जो सनरूफ है आप लोग देख सकते हो वो ओपन हो गया हुआ है। और अभी इसको जस्ट हल्का सा प्रेस करेंगे और ये वापस अपनी जगह में आ जाएगा। ये होता है लेवल गाड़ी का, क्योंकि ये लिमिटेड स्टॉक में जो गाड़ी बनती है ना वो फुल ऑप्शन होती है, फुल उसमें जो फ्यूचर सिस्टम और सिक्योरिटी वगैरह जो होती है ना वो एक नेक्स्ट लेवल की होती है। तो बाकी अंदर से गाड़ी जो है ना वो कुछ इस तरह से हमें नजर आने वाला, एकदम जो ना बढ़िया गाड़ी है। अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं राइट साइड में बैठा हूँ, ये राइट नहीं है, ये लेफ्ट हैंड गाड़ी है, अपना मजे की गाड़ी है, आज बहुत जबरदस्त लग रही है। और दोस्तों अगर हम लोग इसके पीछे की सीट्स की बात करते हैं तो पीछे की सीट इसकी ऐसा नजर आने वाली है जो कि एकदम परफेक्ट, नीट क्लीन, एकदम मस्त पड़ी हुई है। और ऊपर की अगर तरफ हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर एलसीडी भी आप लोग डाल सकते हो, और इधर इसके अंदर आप लोगों को एक टीवी मिल जाता है बच्चों के लिए। अगर आप लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आप लोगों को बच्चे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और यहाँ पे वो अपना आराम से एक जो टीवी दिया गया हुआ है वो देख सकते हैं, सही है। अच्छा उसके बाद इसका डिग्गी तो मैंने आप लोगों को दिखा दी, सामान वगैरह रखने के लिए आप लोगों के पास एक बड़ा डिग्गी मिल जाता है आप लोगों को। और ये जो सिस्टम है ना, बच्चे डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर। बाकी फ्रंट से जो है ना वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया हुआ है, वो बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है माशाल्लाह। और अब बात कर लेते हैं मेन जो इसका इंजन है, इंजन से अंदर से कैसी नज़र आने वाली है। मुझे इसका डैशबोर्ड खोलना है और आप लोगों को गाड़ी का जो इंजन है वो दिखाना है अभी। और दोस्तों अगर हम लोग गाड़ी के इंजन की बात करते हैं तो इंजन वो कुछ इस तरह से हमें नज़र आने वाला है, जो मेन होता है ना गाड़ी का। बैटरी इसके अंदर हम लोगों ने ओरिजिनल डाला है और कल ही लेके फ्रेश पीस डाल दिया हुआ, बैटरी नया डाल दिया हुआ है। और बाकी जो है भाई एकदम परफेक्ट कंडीशन के अंदर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं V6 मीन कि इसका जो इंजन है ना वो काफ़ी पावरफुल है, 6 सिलेंडर का है। यहाँ के 1 2 3 4 5 6 सिलेंडर हैं इसके, जो कि एक पावरफुल गाड़ी मानी जाती है। इसकी वजह से जो क्या है ना, गाड़ी का जो रोड ग्रिप है, पावर है, उसमें काफ़ी फर्क आता है, तो एक स्ट्रॉन्ग गाड़ी है। बाकी अभी ऐसा रोड के ऊपर जब ये गाड़ी जाती है ना तो भाई 6 सिलेंडर का जो इंजन है ना वो मज़ा करा देता है, चस आ जाती है। और बाकी अभी बात कर लेते हैं इस गाड़ी का जो मेन मुद्दा है, जो मेन इसका जो पॉइंट है, इसका जो प्राइस है वो हम लोगों ने कितना रखा है, कितने में गाड़ी मिलेगा आप लोगों को वैसे बता दूँ, बता देते हैं। लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे तो मैं ये चीज़ें दिखाने में मसरूफ़ हो गया। तो भाई लोग अगर इस गाड़ी के प्राइस की बात करते हैं ना, तो इसका जो प्राइस है वो नहीं भाई ने रखा है 24,000 दिरहम में ये गाड़ी आप लोगों को मिलने वाला है, जो कि टोयोटा RAV4 2008 का मॉडल है। एक गाड़ी एकदम ओके, इंजन गियर प्लस चेसिस तीन चीज़ का गारंटी मिलेगा आप लोगों को नहीं भाई की तरफ से इस RAV4 का। आप लोग ऐसे कोई भी गाड़ी मुझसे खरीदते हो ना तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि जो गाड़ी आप लोग मुझसे खरीदोगे उसका आप लोगों को तीन चीज़ का गारंटी मिल जाएगा नईम भाई की तरफ से। तो बाकी इसका जो प्राइस है 24,000 दिरहम के अंदर आप लोगों को ये गाड़ी मिलने वाला है। जिस भी भाई को चाहिए वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, मेरा फ़ोन नंबर आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा और शायद फर्स्ट कमेंट के अंदर भी मिल जाएगा। यहाँ पर भी चला देते हैं भाई, यहाँ पर ये जो नंबर चल रहा है ना ये भी मेरा है, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस गाड़ी का प्राइस 24,000 दिरहम में मिलने वाला आप लोगों को। दोस्तों इसी के साथ इसी वीडियो का एंड करते हैं, डू टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this.